Hey guys, welcome back to my channel Gaurav and Shruti Vlog. I'm Shruti, hope you all are doing well. And first of all, happy Tees to all my female viewers. And thanks a lot guys for supporting me and my channel. थैंक यू वंस अगेन बियॉन्ड माई हार्ट. इसी तरह आप मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए. और आप देख रहे होंगे मेरा गेटअप, कि मैंने नाक तक लगाए हुए सिंदूर. आज तीज है तो तीज 3 बजे तक ही था, तो मैंने पूजा कर लिया है और आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ. मेरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस, ये तीज का ब्लॉग है, आप लोगों को तो गाइस मैं अपने इस ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि मैं तीज का पूजा किस प्रकार करती हूँ, हमारे यहाँ किस तरह से तीज की पूजा होती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाइस. और मैंने जो तीज की शॉपिंग की थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं किया था, बट हाँ मैंने रेड कलर की साड़ी ली हुई है जो मैंने पहन रखा है. और दोनों मम्मी के लिए भी साड़ी आई थी, मैंने साड़ी लिया था, तो दोनों ही मम्मी की भी साड़ी बहुत ही खूबसूरत है. तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने और मेरी मम्मा ने तीज की पूजा स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं डलिया चढ़ाती हूँ गाइस. तो ये हमने शिव पार्वती की पूजा की है, तस्वीर लगाया है हमने, उन्हें जल चढ़ाया है, फूल बेलपत्र जो चढ़ाया है, और मैं डलिया चढ़ाती हूँ. तो वो सब चढ़ाने के बाद और जो श्रृंगार की चीज़ें होती है, जैसे चूड़ियाँ हैं, बिंदी हैं, और ऐना कंघी, जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, मेहंदी है, वो सब माता पार्वती के आगे मैं चढ़ाती हूँ. और पूजा स्टार्ट करने के पहले यहाँ फाइव टाइप्स के शिव जी के भजन होते हैं, जो मम्मी और मैं गा रही हूँ. मैं क्या गाऊँगी, बस मैं मेरी मम्मी का साथ ही दे रही थी. मैं भी कोशिश कर रही थी चलो मैं भी सीख ही लूँ शिव जी के भजन. तो वो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी भजन कर रहे हैं, और यहाँ देखिए मेरा बेटू भी बैठा हुआ है, और हम तीनों ही यहाँ शिव जी के भजन कर रहे हैं. और पूजा करने में रियली गाइस बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है. और यहाँ देखिए मैं तीज का कथा पढ़ रही हूँ, हरितालिका व्रत कथा इस के नाम से ये बुक है गाइस. तो यही कथा इस पूजा में की जाती है, तो वही मैं पढ़ रही हूँ. और कथा पढ़ने के बाद ये देखिए आरती दिखा रही हूँ, और दिया, अगरबत्ती, घंटी, आप जितने भी तरह के आप अगरबत्ती है, धूपदानी है, धूप बाती है, जो भी जलाइए. तो ये सब होने के बाद मैं पूजा संग फूक रही हूँ. और ये देखिए गाइस, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 3 बजे सुबह उठ के मैं और मम्मी रेडी होके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं. और यहाँ देखिए माता पार्वती के आगे हम लोग गोदी खोइचा लगाते हैं, जिसमें अरवा चावल, हल्दी, धुब्बी और कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग दो. तो वो माता रानी को खोइचा देते हैं. और यहाँ देखिए खोइचा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं. और आरती करने के बाद तुलसी जी का भी हमने पूजन किया है. और पूजन करने के बाद यहाँ देखिए मम्मी और मैं प्रणाम करते हैं, अपनी गलती भूल चूक की माफ़ी मांगते हैं, कि पूजा जो हमने इतनी श्रद्धा से किया है, वो शिव जी और माँ पार्वती उस पूजे को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें, और जो भी हमारी गलतियाँ हुई है उसे माफ़ करें. और यहाँ देखिए मेरी मम्मा मुझे खोइचा दे रही है. एक्चुअली पूजा होने के बाद खोइचा दिया जाता है, फिर सभी बड़ों को प्रणाम किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है. और यहाँ देखिए मैं और मेरी मम्मा पिक ले रहे हैं. इसी तरह हमारी पूजा संपन्न हुई. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.